आंसर्स को कैसे इवैल्यूएट करें, तो ये थोड़ा ट्रिकी है कि आप सेल्फ इवैल्यूएशन कैसे करें. बट आई ऑल्सो डिड द सेम. मैं 5-6 महीने करीब रोज 2-3 आंसर लिखती थी. तो उसका इवैल्यूएशन करने के लिए इनसाइट्स पे एक इनिशिएटिव था जहाँ उस क्वेश्चन अपलोड होते थे. तो कई लोग उसके कमेंट्स में आंसर्स भी अपलोड करते हैं. बहुत सारी वेबसाइट्स पे ये हो रहा होगा आई एम श्योर. तो वो जो आंसर्स अपलोड कर रहे हैं लोग, उसको देखिए एंड अपने आंसर को देखिए एंड सी कि उन्होंने कुछ ऐसे पॉइंट्स लिखे हैं क्या जो आपने छोड़ दिए थे. तो वो पॉइंट्स को देखो तो और उसको समझो भी. एंड यू नो ट्राई टू मेमोराइज दैट एज वेल. अगर कोई फैक्ट है, कोई इशू है जो अच्छा एड्रेस हुआ है किसी आंसर में, लर्न फ्रॉम द आंसर्स ऑफ योर पीयर्स, ऑफ द पीयर्स ऑफ हु आर प्रिपेयरिंग. यू कैन ऑल्सो फॉर्म अ ग्रुप ऑफ पीपल, 2-4 लोगों का ग्रुप बना सकते हैं. यू कैन ऑल्सो एक्सचेंज योर आंसर्स. द सेकेंड थिंग दैट यू कैन डू इज यूज टॉपर्स कॉपीज जो अपलोडेड रहते हैं कई जगह पर. उसको देखो, सी द फॉर्मेट इन विच पीपल हैव रिटन आंसर्स एंड यू कैन सी द स्ट्रक्चर कैसा है कि और कंटेंट कैसा है, फ्लो ऑफ आंसर कैसा है. यू नो ऑल दोज थिंग्स कैन बी इनकॉर्पोरेटेड इन योर आंसर राइटिंग प्रैक्टिस. How to be self-disciplined in preparation. You know, you cannot be disciplined due to an outside factor. Discipline should come from within. So, agar aapka motivation is enough to, you know, push you to the study table every day, you will be operating under discipline. Thode bahut breaks here and there is fine, but ek daily target you can set for yourself. Ki 7 ghante, 6 ghante, 8 ghante, whatever suits you. Jitna bhi time aap nikal pa rahe ho. उतना पढ़ना है एंड देन यू कैन ऑल्सो डिवाइड योर डे इन टू फ्यू स्लॉट्स की इस टाइम भी करूँगी, दूसरे टाइम भी करूँगी. दैट वॉज माई वे ऑफ डिसिप्लिनिंग माई सेल्फ. आई यूज टू फील वेरी अकॉम्प्लिश्ड ऑन मीटिंग दोज डेली टारगेट्स. सो यू नो यू कैन ऑल्सो ट्राई दैट.